हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है सभी का आपका अपना चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लास। और पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1। जहाँ तक हमने किया था वो था क्वेश्चन नंबर 7, और आज जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया गया 1 2 3 4, इसमें हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट फिगर बनाते हैं, है ना। फर्स्ट फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। चलो ये 40 डिग्री, ये एक्स है वैल्यू, ये 140 डिग्री है, एंड दिस इज 100 डिग्री। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो ए बी सी डी, एंड वी नो दैट इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? यस, 360 डिग्री। वेरी गुड। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू पुट करो, 140, बी का 100 डिग्री, सी का एक्स है, डी का 40 डिग्री, इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। अब ऐड कर लेते हैं, 100 100 200, 40 40 80 हो गया था, 280 हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, और एक्स इज इक्वल टू 360 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 280, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 8 8 16, और इस प्रकार से एक्स का जो वैल्यू आया वो हो गया 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कुछ पेंटागन की तरह का फिगर दिया हुआ है। यह 60 डिग्री, दिस इज एक्स, ये 40 डिग्री, ये भी एक्स है, और यह है 80 डिग्री, है ना। नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ये पी और ये क्यू, ठीक है। अच्छा, ये 60 डिग्री, ये तो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये जो है लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। उसी तरह से ये 80 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो पहले ये दोनों हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं क्या, एंगल बी ए पी प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर, और ये हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180, और देयर फॉर एंगल बी ए ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, एंगल डी ई क्यू प्लस एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 100 डिग्री। नाउ इन पेंटागन ए बी सी डी ई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना बोलो? सर हमको तो याद नहीं है। अरे यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, याद नहीं है तो। चलो फिर क्या करना है, हम लोग को निकालना होगा एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। नहीं, यही फॉर्मूला था इंटीरियर एंगल का सम का। तो 5, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो 5 माइनस टू इंटू 180, तो 3 इंटू 180। अब 18 का टेबल तो याद ही होगा, 18 3 जा 54, इस तरह से कितना आया? 540 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होगा दैट इक्वल्स टू 540 डिग्री। इसको यहाँ पुट कर देना है, नहीं तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू,
अब एंगल ए देखो, ये एंगल ए है, कितना आया था एंगल ए 120, वी विल पुट 120। एंगल बी एक्स, एंगल सी 40 डिग्री, एंगल डी अगेन एक्स, एंगल ई कितना निकला था 100 डिग्री, तो वी विल राइट 100 डिग्री इज इक्वल टू 540। अब ऐड कर लो 100 100 200 40 टू 60, तो ये हो गया 260, और एक्स मिलके क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 540। अब एक्स 2x इज इक्वल टू, तो 540 माइनस सब्ट्रैक्ट कितना करना है 260 माइनस करना है, तो 260 कर देता हूँ। देखो 0 6 तो 8 होगा, नहीं अब यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाए तो कितना हो गया 2, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू इतना हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 280 बाई 2, और 2 से तो डिवाइड कर देंगे 240, देयरफॉर x इज का वैल्यू जाएगा 140 डिग्री आएगा। आते हैं इस पे नेक्स्ट फिगर, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये है 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, नाम कर दो ए बी सी, और ये पॉइंट का नाम हो गया डी, ये होगा 110, ये है एक्स, ये है 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल ए निकाल लेते हैं, है ना, इंटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर क्या हो गया 90 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी को ऐड करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। ए का वैल्यू पुट कर दो 90, बी तो एक्स है, सी 110 है, और ये 60 डिग्री। चलो ऐड कर लेते हैं, ये हो गया देखो 90 और 10 हो गया 100, 100 100 200 260, और एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 260, इस प्रकार से एक्स का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 100 डिग्री। 3, इसके बाद 4, 4 जो है इस बार एक्सटीरियर एंगल का दे दिया है, वैल्यू निकाल लें। ये है 110, 83, ये 90 डिग्री, और ये है एक्स, ठीक है। चलो ए बी सी डी, और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ई, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 360। ए तो 90 डिग्री है, बी कितना है तो एंगल बी हम लोगों को नहीं पता, तो वी विल राइट एंगल बी। एंगल सी कितना है तो 83, और एंगल डी है 110 डिग्री इज इक्वल टू 360। देखो ये हो गया 200 और ये 83, तो 283 एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 283, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 7 हो गया, नहीं यहाँ बचा 5, तो 8 7 15, मैं बोलता हूँ कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ यही तो गड़बड़ हो जाती है बार बार, नहीं और कई बार आंसर जो है गलत हो जाता है। और एंगल बी इज इक्वल टू 77 डिग्री, ये एंगल बी आया मतलब क्या इंटीरियर एंगल आया, तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, है ना। ए बी सी हमने अभी निकाला 77 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ये क्यों हुआ लीनियर पेयर। अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 77, सब्ट्रैक्ट कर लोगे 10, 10 से 7 घटाए 3 हो गया, यहाँ बचा 7, 7 से 7 घटाए तो 0, और ये हो गया 1, कितना आया 103 डिग्री। चलो ये तो हो गया सर, ये तो काफ़ी इजी था, हाँ ये चैप्टर भी बहुत इजी है, मैं इसलिए नहीं बना रहा था, लेकिन चलो करना सब है करता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे भी हम लोगों को पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सम होगा वो क्या होगा कितना
360 degrees. Sum of all exterior angle is equal to 360 degree. ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वैल्यू दिया है तो वी विल फाइंड द वैल्यू एंड देन वी विल फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू निकाल के उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे कि क्या आ रहा है. चलो ये है z, ये हो गया x, ये तो 90 डिग्री है और ये है 70 डिग्री. नाम लिख लेता हूँ ए बी सी. देयरफॉर एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए कितना है तो सर नहीं पता, लिख लिए. और बी है 70 और यह है 90 इज इक्वल टू 180. और एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 9 7 16 हो गया तो 160. फिर एंगल ए का वैल्यू है 20 डिग्री. नहीं, अच्छा तो एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री. वाई, यस आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लीनियर पेयर से. और एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A को माइनस करेंगे तो 20 डिग्री, देयर फोर 160 डिग्री ये आ गया. नहीं, फिर एंगल X का बारी है. चलो एंगल C प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, C का वैल्यू 90 है तो X भी क्या होगा, 90 ही होगा और X इज इक्वल टू 90 डिग्री. उसी तरह से एंगल बी प्लस वाई, वाई तो लिखा ही नहीं, नहीं ये वाई है, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. और वाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी है 70 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री. नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे. व्हाट इज एक्स, एक्स इज 90 डिग्री, y इज 110 डिग्री और z जो है वो है 160 डिग्री. देखो 90 और 110 ये हो गया 200 और ये हो गया 300 और ये हो गया 60, therefore 360 डिग्री. ठीक है, ऐसे भी याद रखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 9 के बाद 10 इसी तरह से बनेगा, है ना. x प्लस वाई प्लस जेड जो है और w, डब्ल्यू एक्स वाई जेड का अगर सम करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 360 डिग्री. यकीन नहीं हो रहा है, चलो कर लिया जाए, यकीन नहीं हो रहा है तो. फिगर बनाना ही बड़ा कष्टकर है. ए बी सी डी, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड. दिस इज 70 डिग्री, ये निकालना पड़ेगा. ये 130 डिग्री और ये है 80 डिग्री. कर लिया जाए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इक्वल्स टू 360 डिग्री. नहीं, एंगल ए कितना है तो 70, एंगल बी, एंगल सी कितना है, सॉरी 130 डिग्री. नहीं तो 130 डिग्री और एंगल डी जो है वो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री बैठा दिए, ये हो गया 360. अब ऐड कर लेता हूँ, है ना, तो 80 और 70 हो गया 150 और 30, 180 और 100, 280. दूसरे तरीके से जोड़ते हैं, देखो 70 और 30 ये हो गया 100, 200 और 80, 280. देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 280 डिग्री और 08. इस प्रकार से एंगल बी जो आ गया वो 80 डिग्री.
अब सबका निकाल लेते हैं लीनियर पेयर से, नहीं, डब्ल्यू प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, देयर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू क्या गया, ये 100 डिग्री। एक्स प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सबका रीजन वही हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर। और एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इक्वल्स टू 50 डिग्री। फिर एंगल डी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल d का वैल्यू कितना है 80, ये हो गया 100 डिग्री। फिर एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 और z इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब कर लेते हैं w प्लस x प्लस y प्लस z, w का वैल्यू 100 डिग्री, x का वैल्यू 50 डिग्री, y का वैल्यू 100 डिग्री और z का वैल्यू 110 डिग्री। 100, 100, 200, 1, 300, 50 और 60, 360 डिग्री। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फाइंड द एंगल्स मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। देयर फोर 80 प्लस 120 प्लस 100 डिग्री और प्लस एक्स दैट इक्वल्स टू 360, और एक्स इज इक्वल टू 360 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 और ये हो गया 120, तो 200 और 300, देयरफॉर एक्स का वैल्यू इस केस में आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला सेकंड का, चलो सेकंड का थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ, टेढ़ा लाइन हो गया। दिस इज 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, दिस वन इज 70 डिग्री, ये एक्स है, दिस इज 90 डिग्री। देखो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या सब हो गया, ये है ना, पांचों लोगों को पता है, हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी ए, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल डी इज इक्वल टू ये भी कितना 90 डिग्री। देयरफॉर एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल डी इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एक्स प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 90 दैट इक्वल्स टू 360 और एक्स इज इक्वल टू, चलो इसको कर लेते हैं, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 24 और 7, 31, 310 हो गया, नहीं तो 7 और 6, 13, 13 में 9 जोड़े है ना, ये हो गया 22, 22 में 9 जोड़े तो 31, तो 310 आया, तो 360 माइनस 310 दैट इक्वल्स टू कितना 50 डिग्री। एक्स का वैल्यू जो होगा वो 50 डिग्री इस केस में आएगा। 10 के बाद 11, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ कितना 24 डिग्री और ये केस होगा रेगुलर पॉलीगन का है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ
साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। यहाँ पे ईच लगा देंगे ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर पॉलीगन के केस में ये होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा तो नहीं। तो 360 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड कर लेते हैं, 64 जा 66 जा 36 जीरो, 15 4 जा 60 होता है, इज इक्वल टू कितना आ गया 15, सॉरी डिग्री नहीं हो, 15 नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या हो गया 15। सेकेंड उसी तरह से एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60, और इस प्रकार से ये क्या आ गया 6 साइड्स। थर्ड 72 डिग्री है, सीधा सा कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर 360 बाय 72 डिग्री 98 जा 94 जा 36 और 85 जा इज इक्वल क्या आ गया 5 साइड्स। ये तो रहा 11 का क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 की फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स। अब 9 साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो देखो जस्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये इधर चला जाएगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल डिवाइड आ जाएगा, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 और डिवाइड करेंगे 9 से तो 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सेकंड उसी तरह से 12 साइड्स है, सारा कुछ लिख लीजिएगा, हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं नंबर ऑफ सॉरी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना ना, ईच एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज वर 12, तो 12 थ्री जो 36 और 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री जो होगा वो होगा ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज डबल्ड ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। देखो ईच इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल जो है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज डबल इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो ये डबल है, टू टाइम्स है किसका एक्सटीरियर एंगल का, टू टाइम्स एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, तो कितने साइड्स हैं वो हम लोग को निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, देयरफॉर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2x, और हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180,
सर नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे कर रहे हैं आप। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये ट्रायंगल से ही ले लेते हैं ना। ट्रायंगल सपोज ये एक रेगुलर ट्रायंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल अगर एक्स है तो ये कितना होगा, 2x होगा। उसी तरह से ये एक्स है तो ये क्या होगा, 2x होगा। ये अगर एक्स है तो ये क्या होगा, 2x होगा। तो हम लोग इस केस में देखो ध्यान से, एक्स प्लस 2x इन दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। लीनियर पेयर हम लोगों को मतलब है, सिर्फ हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे वी विल इजिली फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, है ना। बस इसमें इतना ही ट्विस्ट है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है सर, एक्स है। इंटीरियर एंगल कितना है, 2x है, इज इक्वल टू 180, और एक्स इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3। सर 3 कैसे हो गया, तो 2x और x को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा ना। 3x इज इक्वल टू 180 और x का डिवाइड कर दिए तो 3 6 18 0, x का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। मतलब x क्या था हमारा, एक्सटीरियर एंगल था। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब तो निकल जाएगा ना, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, और 360 को 60 से डिवाइड किए, 6 6 36 इज इक्वल टू 6 साइड्स। मतलब ये क्या है, हेक्सागन है। जो फिगर होगा वो हेक्सागन फिगर होगा, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस प्रकार से आपने प्यार और सहयोग बनाए रखे हैं आगे भी बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मुझे हेल्प करना तो नीचे देखिए थैंक्स का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और थैंक्स का टोकन जो है मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन लोगों का नाम भी जरूर पुकारूंगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको करना ही है, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।